मुस्कान की हो गई थी बड़ी शदीद तबीयत खराब, तीन तीन मोमेंट्स आई थी। अब सो के उठते हैं ना तो कुदरती हेयर स्टाइल बना होता है। अस्सलामुअलैकुम, तबीयत कैसी है आपकी? आलू चिकन बन रहा है भाई। यहाँ पे हो रही है जी हमारी छोटी गुड़िया की टिंड। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली के साथ आप सब खैरियत से, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। सुबह आज के दिन का ब्लॉग का आगाज करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ। तो अभी आपका भाई सो के उठ चुका है, अभी जाते हैं मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं, नाश्ता वाश्ता करना है। और आप देख लेंगे भी मेरे कपड़े जो हैं वो थोड़े सलवटों वाले हुए हैं, इसकी क्या वजह है भाई? मुस्कान बीबी की हो गई थी रात को तबीयत ख़राब, अचानक से सो रही थी, सोते सोते उठ के अचानक उसको वॉमिट आ गई। और ब्लॉग का आगाज़ करते हुए बताता हूँ, सो वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। हाँ भाई, तो बता, मैं ये रहा था कि मुस्कान की हो गई थी भाई रात को बड़ी शदीद तबीयत ख़राब, उसको वॉमिट आई थी और एक नहीं तीन तीन वॉमिट्स आई थी। तो अचानक से सो रही थी, सोते हुए एकदम उठी और उठ के वॉमिट कर दी उसने, पता ही नहीं लगा। तो ऐसे ही फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और तीसरी वॉमिट तो उसने मेरे ऊपर कर दी थी, मैंने ऐसे गोद में ले लिया ना, वो मेरे पास घबरा के आ गई एकदम बाबा बाबा करके। तो उसने जो वॉमिट की वो मेरे ऊपर की, थोड़ी सी यहाँ पर गिरी, पीछे सारी वॉमिट गिर गई कपड़ों पर। तो फिर मैंने ना हमारे रिलेटिव में डॉक्टर है, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको सारी कंडीशन बताई, उन्होंने कहा आप ग्रेविनेट सिर्फ दे दें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिरप ग्रेविनेट जो है वो भी घर पे रखा हुआ था, तो फौरन उसको एक चम्मच दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुबह 7 बजे की बात और अभी 12 बज रहे, अभी तक उसको दोबारा वॉमिट नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अभी फिर भी उसको मेडिसिन देनी है नाश्ते के बाद। तो इस वजह से मैंने फिर रात को मेरे सारे कपड़े, रात तो नहीं सुबह हो गई थी, सुबह 7 बज रहे थे, सारे कपड़े आगे पीछे से वॉमिट वॉमिट हो गए। तो फिर मैं उठा, जल्दी से अलमारी खोली, ऐसे ही कपड़े निकाले, आयरन भी नहीं हुए हुए थे, फौरन गया जल्दी से नहा के और कपड़े चेंज किए, इसलिए यहाँ पर सारे सलवट सलवट नजर आ रही होगी आपको। तो अभी जल्दी से हाथ धोके फ्रेश होते हैं, फिर करते हैं नाश्ता और फिर मुस्कान को मेडिसिन भी देनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई कि भाई बेड पे बेडशीटें बिछी हुई, दो बेडशीटें जो है वो मुस्कान ने खराब कर दी थी। एक दफा वॉमिट की तो हमने चेंज की, वो दूसरी दफा फिर नई बेडशीट पे वॉमिट कर दी। तो फिर मैंने मुस्कान की मम्मा को कहा भाई अब बेडशीट ना बिछाओ, ऐसे ही ठीक है। तो भाई मुँह हाथ धोके फ्रेश हो चुके हैं, अभी जरा कंघा शंगा कर लें। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई जब आप सो के उठते हैं ना तो कुदरती हेयर स्टाइल बना होता है आपका। अब ये देखें, यहाँ पे मैं इसको ये ब्रश मारूंगा भी, लेकिन ये सेट नहीं होगा। ये देखें, ये ऊपर गए हुए, ये नीचे आए हुए। चलो भाई, ये जब नहा लेते ना पता जब ही सही होते हैं। भाई मुस्कान बेबी जो है वो पहले से ही नाश्ते के आगे बैठी हुई है। अस्सलामुअलैकुम बेबी, तबीयत कैसी है आपकी? अब सही है? अब दोबारा वॉमिट तो नहीं आई थी? इधर देखो, वॉमिट तो नहीं आई थी? चलो अच्छी बात है। अभी आप क्या नाश्ता कर रही हो? ब्रेड चाय? चलो शाबाश, आप कर लो। और ये बाबा का नाश्ता, बाबा भी कर ले नाश्ता है। चलो आप इधर आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, बाबा यहाँ बैठ के नाश्ता करते हैं, आ जाओ। शाबाश। चलो भाई, नाश्ते में क्या है भाई? यहाँ पे शामी कबाब हैं, फ्राई अंडा है, पराठा है। तो फटाफट से नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो चुके हैं और मुस्कान बेबी ने सिर्फ चाय के दो चार घूंट लिए हैं और ब्रेड बिल्कुल नहीं खा रही थी। हाँ, एक दोनी वाले पराठे की खा ली हैं क्योंकि मुस्कान को पराठा पसंद है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ पेट में जाए कोई बात नहीं। तो अभी जो है मुस्कान को मेडिसिन पिलानी है और अभी वेट मशीन आई है, मुस्कान का वेट करके देखते हैं मुस्कान का वेट कितना है। चलो खड़ी हो वेट मशीन पर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, खड़े भरे हो इस पर, खड़े भरे हो, खड़े भरे, कितना है? कान स्मार्ट सी है ना इसलिए। तो ये यहाँ पे घड़ी में हो चुके हैं जी इस वक्त 2:30 और यहाँ पे आपको रॉड सा नजर आ रहा होगा भाई। हुआ ये है कि हमारे जो यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए थे भाई, आपकी भाभी ने ऐसे करके कर्टन पीछे हटाया, वहां से जो है ना वो कर्टन का हुक जो है वो हिला, धम करके नीचे गया और यहाँ पे देखें जी सारे कर्टन जो है वो यहाँ नीचे पड़े हुए। तो भैया अभी आपको एक चक्कर लगवाते हैं किचन में, देखते हैं आज दोपहर के खाने में क्या बन रहा है, उसके बाद चलेंगे और होंगे नहा धो के तैयार। तो भैया हम आ चुके हैं जी किचन में और आज दोपहर के खाने में बन रहा है भाई चिकन, आलू, आलू, हाँ आलू चिकन बन रहा है भाई। और अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, अभी पक रहा है। वाह भाई वाह, ये आलू चिकन के शोरबे का ना अपना ही मज़ा होता है, या आलू गोश्त हो या आलू चिकन, दोनों शोरबे बड़े लजीज बनते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है भाई कढ़ाई में, यहाँ पे बच्चों के लिए बन रही है जी मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि मुस्कान की तबीयत ठीक भी नहीं थी तो हमने सोचा भाई उसके लिए खिचड़ी बना देते हैं। तो अभी फटाफट से ये बन जाएगा तो फिर खाएंगे हम दोपहर का खाना। तो भाई खाना छाना भी तो अनुभव खाता है भाई, आलू चिकन बन रहा है खाने विच। तो हम जल्दी जल्दी चलने हैं, नहा धो के तैयार होने हैं, कपड़े जड़े ने साढ़े हैंगर के उत्ते टंगे हुए ने, तो जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार होकर कपड़े पहनने हैं, तो फिर चलेंगे जोहर की नमाज की तरफ इंशाल्लाह। हेलो गाइस, कैसे आप सब? ठीक है, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन आज कल के मौसम में जो है ना, ओहो
अभी गिरने लगी थी लाइट। आजकल के मौसम में भाई नहाने धोने का भी कोई फायदा नहीं होता, फौरन से नहा के आप बाहर निकल कपड़े पहनते पहनते पसीना आना शुरू हो जाता है भाई, मौसम ही थोड़ा ऐसा सा है। बहरहाल अभी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, पढ़ते हैं जल्दी से जोहर की नमाज। और जानवाज का जानवाज ये रही जानवाज भाई, जल्दी से जानवाज बिछाते हैं, कोई दो दो आ गई एक बिछाते हैं भाई, नमाज पढ़ते हैं जल्दी जल्दी और फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। जी गाइस, तो अभी नमाज पढ़ के फ्री हो चुके हैं और अभी मुझे पता लगा कि भाई आज तो छोटे बेबी की टेंड होनी है भाई, पहले टेंड होनी है उसकी। तो भाई नमाज पढ़ के फ्री हो चुके हैं, हमारी गली के कॉर्नर पे जो बाबा ने उनको बुलाया घर पे, वो घर पे आके टेंड करेंगे और नीचे आ चुके हैं बल्कि ऑलरेडी तनवीर भाई नहीं कोई और है। तो अभी जल्दी से बाकी मामों को लेते हैं और चलते हैं बेबी की करवाते हैं टेंड। आजे चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। वाह भाई वाह, आसान मामू की गोद में बैठ के बेबी ने टेंड करवाना भी शुरू कर दिया भाई, वाह जन बड़े प्यार से करना भाई, हमारी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रानी है भाई। तो भैया टेंशन करवा के तो फ्री हो गए, तो उसके बाद मैं काम चला गया था और अभी फ्री होके घर आया हूँ भाई। रात का टाइम है और मुस्कान को रात की मेडिसिन देनी है और मुस्कान भाग के आ गई है जी चाचू के रूम में, अभी इसको यहाँ से लेके चलते हैं और पिलाते हैं रात की मेडिसिन। चलो भाई, तो भाई मुस्कान को काबू कर लिया, अभी लेके चलते हैं और पिलाते हैं इसको मेडिसिन। चलो भाई तभी सही है वैसे आपकी, अब पहले से बेहतर है। चलो लास्ट मेडिसिन पी लो आज की। हेलो करो, पहले हेलो करो सब्सक्राइबर्स को, हेलो। चलो और इधर ही आ जाओ, इधर आओ। अच्छा इधर तो आओ ना, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के ना। चलो बैठो दाई, दाई किधर है भाई, दाई की ये आ गई है भाई, दाई ये पिए की दाई। चलो अभी नीचे बैठ गए हम, आप डालोगी दाई इसमें है? हाँ। कैसे डालोगी, तो सारी गिर जाएगी। चलो मम्मा को कैमरा पकड़ाते हैं, मैं डालता हूँ दवाई। चलो आओ भाई, इसको पहले शेक कर लेते हैं, ऐसे करते हैं इसको डालते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, आपने मेडिसिन पी के दिखानी है। अच्छा आपको देते हैं, आप दिखाओ दाई। चाचू ये देखना, ये देखो दाई पीएगी। चाचू ये देखना कैसे पीती है। अच्छा एक दफा पी के दिखा दो। अच्छा पीने दिए, मोबाइल दो भाई, मोबाइल दो भाई, मोबाइल ये लो पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, साथ दाई भी पी लो। नहीं पी रही भाई, उसको काबू करना पड़ेगा, जोर से पकड़ के जबरदस्ती पिलानी पड़ेगी। वेदान आप पकड़ो कैमरा, ले लिया। और देखिएगा ये कितनी अच्छी बच्ची है, ये देखें कितनी अच्छी बच्ची है, देखना पी लेगी। चलो पी के दिखाओ सब्सक्राइबर को, जल्दी से जल्दी से। चलो चलो फाइनली उसका मेडिसिन वगैरह पिला दी है भाई, उसकी मम्मा से चम्मच चिला और सारी मेडिसिन उसके मुंह पे गिर गई, पाल लिया था कि चलो पिला दी है। तो आज के लोग ये पेंट कर लेते हैं, लाइक शेयर कमेंट मैसेज चैनल पे जरूर जरूर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक इतना दीजिए इजाजत, तुम लोग रखेगा, दो याद रखिएगा, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, शादो आबाद रहे, अल्लाह हाफिज़ फी अमान।